सो अगर आप भी पेंसिल स्केचेज करते हैं एंड रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन मार्केट से मोनो जीरो इरेजर पूरे गायब ही हो चुके हैं, स्पेशली 0.3 mm राउंड टिप वाले। बट काफी सर्च करने के बाद फाइनली मुझे 0.3 mm राउंड टिप की ये रिफिल्स अवेलेबल हो ही गई। सो हेलो गाइस, आई एम पौनाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इंडियन मार्केट से 0.3 mm राउंड टिप वाले मोनो जीरो इरेजर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं एंड उनकी रिफिल भी अवेलेबल नहीं है, एंड कैसे मुझे 0.3 mm रिफिल्स मिली, एंड अगर आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं है तो इसका बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। सो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं इन 0.3 mm राउंड टिप वाले मोनो जीरो इरेजर रिफिल्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ जो मुझे आज ही डिलीवर हुए हैं, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने कहाँ से ऑर्डर किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन मोनो जीरो इरेजर्स की रिफिल मुझे अमेजोन के थ्रू डिलीवर हुई थी, बट इसे एग्जैक्टली मैंने अमेजोन से ऑर्डर नहीं किया था, ये मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर किया था, बट ये डिलीवर अमेजोन के थ्रू हुआ था। सो ये मोनो जीरो इरेजर्स के रिफिल्स का 5 pieces का पैक था जिसके अंदर टोटल 10 इरेजर्स हैं एंड सभी 2.3 mm राउंड टिप वाले इरेजर्स हैं जो कि मैं यूज करता हूँ मोनो जीरो इरेजर्स में। इसके अदर वेराइटीज़ भी आते हैं जो कि रेक्टेंगल शेप वाले होते हैं बट ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। सो इनकी 5 pack की कॉस्ट जो है 550 110 पर पीस था एंड 50 rupees डिलीवरी चार्जेस थे, तो टोटल 600 में मुझे पैक जो था डिलीवर हुआ था। सो आप देख सकते हैं 2.3 mm के ये इरेजर्स जो कि मेरे मोनो जीरो इरेजर्स में परफेक्टली फिट होंगे। सो ये तो थे मेरे मोनो जीरो इरेजर्स की रिफिल। ओ वेट, इस पैक में कुछ और भी है बट मैंने सिर्फ मोनो जीरो इरेजर्स ही ऑर्डर किए थे। सो आई कांट बिलीव कि उन्होंने मुझे मोनो जीरो इरेजर रिफिल्स के साथ साथ ब्लेंडिंग स्टम्प्स एंड नीडेड इरेजर भी भेजा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट वॉज रियली स्वीट ऑफ देम एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मुझे कोई फ्री की आर्ट सप्लाईज मिली है एंड फ्री की चीज किसको पसंद नहीं है। सो आई एम सो हैप्पी। सो अगर आप रियलिस्टिक पेंसिल आर्टवर्क करते हैं तो उसके लिए एक मोनो जीरो इरेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि उससे काफ़ी फाइन डिटेलिंग हो जाती है जो कि रियलिस्टिक आर्टवर्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मेरा जो मोनो जीरो इरेजर था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था एंड मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था कि एक नया मोनो जीरो इरेजर परचेज करने की। सो मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन स्टोर्स में 0.3 mm मोनो जीरो इरेजर्स परचेज करने का ट्राई किया बट कहीं अवेलेबल नहीं था, सब मैं आउट ऑफ स्टॉक से ही दिखा रहा था। बट फाइनली मुझे अमेजोन में देखने को तो मिला, बट उस एक इरेजर की कॉस्ट 2000+ पहुंच चुकी थी जो कि 200 में बिकता था। सो उसे भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। सो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अमेजोन में एक इरेजर की ही कॉस्ट 2000+ हो चुकी है, तो इसलिए मैंने अमेजोन से परचेज नहीं किया। सो अमेजोन में काफ़ी सर्च करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला, देन मैंने इंस्टाग्राम के आर्ट स्टोर्स के जो पेजेस होते हैं उनमें पता किया बट उनमें भी मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली, किसी में मुझे मोनो जीरो इरेजर्स नहीं मिल पा रहे थे। देन फाइनली मुझे एक ऐसा पेज मिला जिनके पास 2.3 mm राउंड टिप वाले मोनो जीरो इरेजर्स अवेलेबल थे। सो मैंने उन्हें मैसेज किया एंड देन उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास ऑनलाइन स्टोर्स में तो मोनो जीरो इरेजर्स रिफिल्स अवेलेबल नहीं थी पर उनके लोकल स्टोर्स में थी। सो उन्होंने मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, देन उन्होंने मुझे खुद कॉन्टैक्ट किया एंड उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास 2.3 mm राउंड टिप वाले इरेजर्स के 5 packs अवेलेबल हैं, सो 5 pack का ही लॉट है। सो देन उन्होंने उसकी अमेजोन लिंक एक्टिव की एंड वो लिंक उन्होंने मुझे शेयर की, देन मैंने अमेजोन के थ्रू उसको परचेज किया एंड 4-5 days के अंदर ही वो मेरे पास आ गया। सो उस आर्ट स्टोर का नाम था foremostindia.com। सो उनके इंस्टाग्राम पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन विजिट दैट। एंड उन्होंने मुझे मोनो जीरो रिफिल्स के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में ब्लेंडिंग स्टम्प्स एंड नीडेड इरेजर भी भेजे थे। सो इट वॉज रियली स्वीट ऑफ देम एंड आई एम रियली हैप्पी कि फाइनली मुझे इतनी मेहनत के बाद मोनो जीरो इरेजर्स की रिफिल्स मिल ही गई। सो अगर आपके पास मोनो जीरो इरेजर नहीं है तो उसकी जगह आप
बेस्ट अल्टरनेटिव पेंसिल इरेजर्स का यूज कर सकते हैं। सो पेंसिल इरेजर जो मैं यूज करता हूँ कोहिनूर ब्रांड का है, या आप स्टेडलर ब्रांड के भी परचेज कर सकते हैं। एंड पेंसिल इरेजर से भी आप बिल्कुल फाइन डिटेलिंग कर सकते हैं, वो बिल्कुल एक पेंसिल फॉर्म में होते हैं जिन्हें आप शार्प करके एक फाइन टिप ला सकते हैं एंड उससे देन फाइन डिटेलिंग कर सकते हैं। एंड वो मोनोजीरो इरेजर से थोड़े चीप भी होते हैं एंड आप उनका यूज कर सकते हैं। मोनोजीरो इरेजर अगर आपके पास नहीं है वो इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है। सो उनकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो यू कैन बाय देम फ्रॉम देयर। सो नाउ मैं आपको मोनोजीरो इरेजर एंड पेंसिल इरेजर दोनों का यूज करके बताऊंगा कि क्यों पेंसिल इरेजर इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर मोनोजीरो इरेजर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दैट्स इट फॉर टू डिफेंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड कमेंट करें एंड चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।